यू सो मच कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना वक्त, अपना बेशकीमती समय दिया। सारे मीडिया कर्मी को दिल से धन्यवाद। और हम लोगों ने इसीलिए मन व्रत रखा कि शेड्यूलिंग में था हमारा चीज, ऑलरेडी चढ़ चुका था। और कल जो आर्मी चीफ हमारे बीच नहीं रहे, उनके लिए दुख हमें बहुत है इस बात का। लेकिन कुछ चीज़ें शेड्यूलिंग में होती है तो उसको रोक भी नहीं पाता आदमी। और इस गाने के बारे में क्या बोलूँ मैं, सारेगामा का जब भी मैं गाना करता हूँ तो लगता है कि मैं लॉन्च हो रहा हूँ, क्योंकि इनके हर गाने लॉन्चिंग ही होते हैं मेरे लिए। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं सारेगामा का पुराना आर्टिस्ट हूँ। मुझे लगता है कि मैं हर जो भी गाना करता हूँ तो वो लॉन्चिंग के हिसाब से ही होता है, क्योंकि इतनी विधि व्यवस्था, लगता है कि हमारी हर गाने में शादियाँ होती हैं, हमारा वेलकम होता है। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम और होता ही नहीं। ये पहली बार शुरू विक्रम सर ने हम पे विश्वास जताया, और इनका विश्वास ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इनके जीवन में बहुत सारे आर्टिस्ट, बड़े बड़े हिंदी इंडस्ट्री से लेकर तेलुगु, तमिल, हर भाषा के आर्टिस्ट इनको अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा देते हैं, और ये भी लोगों को देते हैं। लेकिन एक छोटी सी भाषा है हमारी भोजपुरी, और एक रीजनल भाषा के कलाकारों को इतना प्यार करते हैं, और सारेगामा हम भोजपुरी इतनी मोहब्बत देती है, तो हमारे लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है, भोजपुरी कलाकारों के लिए काम कर रही है। तो ये तो सौभाग्य की बात है हमारी जो हम इस कंपनी के हिस्सा हैं, क्योंकि इतना कलाकार होने के बावजूद भी क्या लॉन्चिंग हिंदी में होता है, तेलुगु में क्या होता है, बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। लेकिन जब हम गाते हैं और हम इस कंपनी के लिए कभी कुछ अच्छा करते हैं तो लगता है कि एक अलग सा माहौल क्रिएट किया जाता है। खेसारी के लिए एक लॉन्चिंग वाली जो स्थिति होती है, इतना तो हमारे सिनेमा में, हम 2 करोड़ के सिनेमा भी बनाते हैं तो इतने भव्य तरीके से हमें नहीं परोसा जाता है जनता के सामने, जितना कि सारेगामा का गाना करके हम खुश रहते हैं। तो ये खुशनसीबी है हमारी, और विक्रम सर का विश्वास, बद्री झा की पूरी टीम का, सारेगामा पूरी टीम को दिल से थैंक यू कि हमें उस लायक आप सब समझते हैं। तो थैंक यू इस गाने के बारे में। सबसे बड़ी बात मैं बादशाह जी के बारे में कि पहली बार वो भोजपुरी में रैप किए हैं और उन्होंने वीडियो में भी काम किया, तो एक इतने बड़े लेवल के सिंगर होकर भी, और बादशाह जी ने हमारे भोजपुरी को सम्मान दिया। मैं दिल से थैंक यू बादशाह भैया को कि आपने हमारे भोजपुरी को इतना प्यार, और ये भोजपुरी भी आपको निराश नहीं करेगी, मेरा आशा नहीं विश्वास है कि भोजपुरी भी आपको उतना ही प्यार करेगी और आपको अपना बेटा समझ के आशीर्वाद देगी। हम तो इनके बेटे है ही हैं, बट आप भी आज से इनके बेटे हैं, और हमेशा आपको ये मोहब्बत मिलती रहेगी। और 6 साल बाद हम और अक्षरा जी काम किए हैं, तो कैसा लगा अक्षरा जी आपको, ये जो चेंज है बताओगे तो? हमको बोल लेने दीजिए, तो बोल भी करेंगे। अच्छा, हाँ माइक है ना, उनका जवाब दे दीजिए। बटन प्रेस। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी खूबसूरत लोग हैं उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। साथ ही सर आपको प्रणाम मेरा। आई एम सो हैप्पी, एंड सबसे पहले आपको कहना चाहती हूँ वेलकम टू द भोजपुरी इंडस्ट्री। आप जैसे कंपनी की, आप जैसे लोगों की बेहद ज़रूरत है हमारे इंडस्ट्री में। और बद्री जी के सवालों का जवाब ये देना चाहती हूँ कि आई एम सो हैप्पी दैट वी आर टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग गैप। 6 साल बाद काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी दर्शकों की फरमाइश पे। बद्री जी आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ, द क्रेडिट गोज टू यू कि आपने इतना एफर्ट लगा के हमें एक साथ फाइनली लेके आए। थैंक यू वेरी मच। और ये गाना जिस तरीके से हमने शूट किया है, सबसे पहले तो जितनी तमाम टीम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, और साथ ही कंग्रेचुलेशंस कि हम सब ने बहुत मेहनत किया इस गाने के लिए। और एवरीबॉडी लाइक कोरियोग्राफर, राइटर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर केसारी जी, एवरीबॉडी, रिनी जी, तो सबके एफर्ट से जाके हमने एक
अच्छा गाना बनाया है और आई होप पीपल विल लाइक इट। और तो इस क्वेश्चन पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो आप कह रहे हैं कि होप पीपल विल लाइक इट, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मोशन पोस्टर को भी लोगों ने ट्रेंडिंग में ला दिया है, टीजर जो है 2 मिलियन आज सुबह कर चुका है। अब ये तो होना ही था। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लोगों ने ऑलरेडी 50,000 लाइक्स आपके प्रीमियर पे आ चुके हैं और जिस तरीके से उन लोग बेताब है और 10,000 से ज्यादा जनता आपको अभी लाइव देख रहे हैं रेड कार्पेट पे। तो जिस तरह का रिस्पांस आया है, मतलब पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई महोत्सव हो रहा है आप लोगों के आने से, तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। बिकॉज हमें भी कुछ पॉजिटिव करना चाहिए जिससे लगे कि इंडस्ट्री एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो अगले 3 मिनट में गाना रिलीज हो जाएगा। अगले 3 मिनट में हम लोग लाइव आ जाएंगे। तो ये ट्रेंडिंग वाला जो था कि मतलब पहली बार मोशन पोस्टर और जो टीजर है इतना प्यार मिला है लोगों का कि कमेंट्स कब आएगा, लोग इतने बेचैन हो चुके कि कह रहे कल रात में भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सुबह कब होगी। तो कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वर्ल्ड है एक कलाकार के लिए। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ तो बात होगी, यूं ही वादे मोहब्बत नहीं होती। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो तो ये 6 साल का जो एक्साइटमेंट है हम दोनों को लेकर, हमारी जोड़ी को लेकर, लोग इतना प्रेज करते हैं और इतने सारे रिक्वेस्ट लगातार आ रहे थे जिसकी वजह से हम आज साथ में हैं और हमने ये गाना किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी दर्शकों का कि आप लोगों ने अथाह प्यार दिया है हमें। और आई नो कि आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे भी उतना ही एक्साइटमेंट है, उतनी ही खुशी है। और आई एम श्योर कि आप लोगों को गाना बहुत अच्छा लगेगा। तो खेसारी जी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे दर्शकों को ज़रा बता दें कि लाइव 2 मिनट में सॉन्ग आने वाला है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? वैसे इस टीम को दिल से थैंक यू, और मैनेजमेंट आपका हो तो मुझे सख्त होता ही नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट किसी कोई दूसरा करता है तो लगता है कोई दूसरा है, लेकिन जब अपना बड़ा भाई मैनेजमेंट कर रहा हो और अपने परिवार की कोई चीज़ें होती हो तो अच्छा लगता है। और रिनी चंद्रा, इन्होंने खूबसूरत गाया, इसके 3-4 वर्जन मुझे आए थे, लेकिन जब रेनी की आवाज़ मेरे पास आई तो मुझे लगा कि यही आवाज़ रखनी चाहिए। और मैं अपने डांस डायरेक्टर स्वरूप जी को दिल से थैंक यू कि उन्होंने इतना अच्छा डिज़ाइन किया, और मैं पहली बार उनके साथ भी काम करके बड़ा हैप्पी हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत हम दोनों को दिखाया, एक एक एंगल इतना अच्छा लगा। और उनका भी पहला भोजपुरी गाना है, तो 2 इसमें आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि हमारे लिए काम किए, जैसे बादशाह जी भोजपुरी के लिए पहली बार काम किए, स्वरूप जी पहली बार हमें डिज़ाइन करके दिए, हमारे कोरियोग्राफ करके दिए, और पूरी टीम जितनी एनर्जी के साथ इस गाने को हम लोगों ने करीब 14 घंटे में शूट किया था, और 14 घंटे कोई आदमी बैठा नहीं, सिर्फ खड़े ही रहे, भागते रहे कि ये भी शॉट लेना है, ये भी शॉट लेना है। तो रेनी, आपको भी दिल से थैंक यू कि आपने इतनी अच्छी खूबसूरत आवाज़ के साथ इस गाने को गाया। बादशाह जी को, विक्रम सर को क्या थैंक यू बोलूं, अपने गार्जियन को जो इंसान हर दिन खेसारी को एक अलग रूप देते हैं, उनके लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि जितना हमारे मैनेजमेंट में खर्चा होता है उतना भोजपुरी का तो एक गाना बन जाता है। तो हर कंपनी हमारे लिए अच्छी है, लेकिन हमें त्यौहार की तरह ये अवसर देने के लिए दिल से थैंक यू सर कि हर गाना हमारे लिए त्यौहार बना देते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। शूट करा पूरे वीडियो के लिए, स्पेसिफिकली इसके लिए। अधिकतर लोग अपने अपने गाने का जब नया वर्जन बनता है उसके लिए कुछ करते नहीं है, वो कंपनी में छोड़ देते हैं। ये बादशाह का बड़प्पन है, ये केसारी का बड़प्पन है, ये अक्षरा की ग्रैंडनेस है जिसकी वजह से गाना इतना बड़ा हुआ। और मैं एक चीज और बोलूंगा, जब मैं गाना देखता हूँ इन्होंने बोला, जो स्टाइलिंग इस गाने के अंदर है और जो कोरियोग्राफी इस गाने के अंदर है, आपको किसी भी बॉलीवुड गाने से ये कम नहीं दिखता, और इसके लिए बहुत मैंने भोजपुरी में गाया है पहले, लेकिन दिस इज रियली, मतलब मैंने
के सारे भैया अक्षर ब्यूटीफुल मेरी बेस्ट फेवरेट हीरोइन की है सॉरी इन भोजपुरी इंडस्ट्री एंड नाउ शी इज अचीविंग ग्रेट हाइट्स एंड आई एम रियली हैप्पी कि बादशाह सर इज आल्सो इन दिस सॉन्ग एंड मतलब इसे अच्छा लॉन्च मेरे लिए क्या हो सकता था बद्री जी थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी सिंग एंड सर आई एम रियली ऑनर्ड टू सिट हियर विद यू थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी पर लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी लिसनिंग सेशन हमने किए हैं इस गाने को लेके आपकी आवाज़ की तारीफ खुद खिजानी जी कर रहे हैं तो उस पर क्या कर सकते हैं तो सबों को आपका आवाज़ बहुत ही अच्छा लगा और अक्षरा को इतना सूट किया आपका वॉइस की मतलब बता नहीं सकते हम लोग तो आई थिंक अब अक्षरा जी डिसाइड करेंगे कि क्या करेंगे ये तो अब मैं प्रेस से बोलूँगा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं खेसारी जी विक्रम जी और अक्षरा और रेनी के लिए तो कुछ आप शुरू कर सकते हैं माइक आपको शेयर करवाना था 1903 में जब पहला गाना हिंदुस्तान में रिकॉर्ड हुआ था उस गाने से लेकर आज तक 120 साल के म्यूजिक इंडस्ट्री की धरोहर हमारे हाथ में है लता दीदी और केएल सहगल साहब इस गाने जो चलते जा रहे हैं और आज की तारीख में खेसारी वो पूरी पूरी सीक्वेंस हम लोगों के पास है और हमारा ये मान के चलना है कि हमारे कल्चर को बाहर लेकर आना बहुत जरूरी है और कल्चर से बॉम्बे और दिल्ली में नहीं बैठा रहता कल्चर जब आपके देश की आबादी जो है उसमें कल्चर हर शहर का अपना कल्चर रहता है और भोजपुर बोलने भोजपुरी लैंग्वेज के फैन बहुत बड़े हैं और ये बड़ा छुपा रहता है हमेशा क्यों है ये बिहार यूपी छत्तीसगढ़ झारखंड में रह जाता है इसको बाहर लेकर आना हमारा पूरा अटेम्प्ट ये है भाई तमिल तेलुगु आप तमिल का मैं आपसे पूछूं कब बड़ा हो गया जब रजनीकांत ने उसको बड़ा कर दिया तो वो चेन्नई से बाहर निकल कर हम सबका हो गया है हम वही काम भोजपुरी के तरफ करने की कोशिश कर रहे आपका ये गाना निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या कुछ अश्लीलता से अगर हम बात करें तो क्यों नहीं काशी को कुछ एक ऐसा उपहार एक ऐसा चीजें दी गई जो इससे दूर हो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि इस गाने की अगर हम बात कर ले तो काशी कुछ और अपेक्षाएं आपसे कर रही थी यहाँ पर ही एक बॉलीवुड टॉलीवुड सभी सेक्टर से शूटिंग होती है लेकिन सर क्यों नहीं इससे दूर हट के हमने इस पर विचार किया इनका कहना है प्रेसिडेंट काशी पत्रकार संघ सुभाष चंद्र सिंह इनका कहना यह है कि पहले की फिल्मों में जो है जो भोजपुरी की फिल्में बनती थी जैसे नाजिर हुसैन वगैरह थे इन लोगों ने जो फिल्में बनाई हैं उसमें गाने भी अच्छे होते थे फैमिली के साथ बैठकर देखने में लोगों को मजा आता था लेकिन आज जो भोजपुरी इंडस्ट्री है और जितनी अश्लीलता उसमें भर गई है उसको लेकर के लोगों की रुचि में उतनी नहीं है कि लोग उसके सिनेमा थी या थिएटर की ओर जा सकें तो क्या इन दर्शकों को खींचने के लिए आप लोग कुछ इस तरह का कदम उठाएंगे सर लास्ट आपने भोजपुरी फिल्म कब की थी मैं माफी चाहती हूँ मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैं तो भोजपुरी फिल्म यही ससुरा बड़ा पैसा वाला जो मनोज तिवारी की लास्ट वही देखा था सर इधर बीच कोई फिल्म देखी आपने नहीं इधर हमने देखा और नहीं देखी होगी सर लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने नहीं देखी यूट्यूब पर ये सब पे आता है कभी कभी देखता हूँ जो साउथ की फिल्मों को इसलिए लोग देखते हैं कि उसमें कुछ देखने लायक होता है जी लेकिन आप भोजपुरी को कैसे साउथ की इतनी बड़ी फिल्म से आप कैसे रिलेट कर रहे हैं हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं सर हमारा बजट बहुत कम है हमारे यहाँ आर्टिस्ट बहुत कम है अभी धीरे धीरे करके आ रहे हैं जो ग्रो कर रहे हैं एवरी डे दे आर वर्किंग हार्ड आप अश्लील सबसे पहले जितने भी पत्रकार हैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि आप पहले एक भोजपुरी फिल्म देखिए आप पहले एक अच्छा गाना देखिए तब जाके पूरे भोजपुरी समाज पे उंगली उठाइए प्लीज एक सालों पहले का एक माइंडसेट बना हुआ है जो माइंडसेट आप लोग नहीं बदल रहे हैं सर हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसमें आप लोगों का भरपूर योगदान चाहिए हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत है वो आपकी अगर आप इस तरीके से सवाल करेंगे ना तो पूरी दुनिया उसी नजर से हमें देखेगी नहीं अब विक्रम जी ने अभी जो बताया है कि इसको हम बड़ा आयाम देना चाहते हैं और देशों में 17 देशों में भोजपुरी बोली जाती है फिजी गयाना जमैका
ट्रिनिडाड, आपके मॉरिशस, ये सब देशों में, नीदरलैंड, तमाम जो है भोजपुरी वासी हैं वहाँ बसे हुए हैं, और भोजपुरी बोलने वालों की संख्या या सुनने वालों देखने वालों की संख्या 22 करोड़ है पूरी दुनिया में। डेफिनेटली तो उन्हें आकर्षित करने के लिए आपको कुछ अच्छा करना होगा। सर, हर कोई अपने अपने स्तर से मेहनत कर रहा है, बस उसमें आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वी ऑल आर वर्किंग सो हार्ड, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं हमारी भोजपुरी का ग्राफ किस तरीके से धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। जितने यंगस्टर्स हैं, जितने यूथ हैं आज जुड़ रहे हैं, आज लोग बॉलीवुड से या आज सारे गामा यहाँ पे हैं या सर हमारे साथ बैठे हैं, इसका रीजन ये है कि हमारी भोजपुरी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है। सर, हमारे गाने यू नो मिलियंस में जा रहे हैं। बॉलीवुड के एक गाने को उठा लीजिए और भोजपुरी के उठा लीजिए तो कई गुना ज्यादा अंतर मिलेगा आपको व्यूज वाइज भी। तो हम सब मेहनत कर रहे हैं सर, उसमें मैं सबो से दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए, प्लीज एंड चेंज योर माइंडसेट। अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता, दैट्स इनफ, प्लीज गाइस इसको बंद करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कौशलेंद्र एक राइटर हूँ, मेरा यही तारुफ है, पर्दे के पीछे मेरा एक और भी तारुफ है, वो शायद मैं बाद बताऊंगा। अभी हमारे पत्रकार साथी ने पूछा, मेरा सिर्फ एक सवाल है, हम हिंदी के गानों को भोजपुरी के ऊपर लादना क्यों चाहते हैं जबकि भोजपुरी की अपनी वसीयत विरासत है और जो बहुत ज्यादा समृद्ध है। हिंदी को हम भोज मतलब उस गाने को भोजपुरी जैसा ही दिखाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भोजपुरी आप ऐसे दिखाइए कि दूसरे आपकी नकल करें, दूसरे भोजपुरी की नकल करें, आप तब ज्यादा आगे जाएंगे। इस गाने में सीधे सीधे आपने गाने की नकल की है, जो रिमिक्स हो सकता है रिमेक हो सकता है। मेरा सिर्फ इतना सुझाव है, मैं एक राइटर हूँ, स्कॉलर भी हूँ, लिखता भी हूँ, मुझे लगता है भोजपुरी मिलन करके भी हम लोग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। हम किसी की तरह क्यों देखें, अच्छा हम किसी की तरह क्यों देखें, हम लोग अपनी तरह सर, हम किसी की तरह नहीं दिखना चाहते हैं, सॉरी इस पूरे गाने में मैं हम भोजपुरी किसी की तरह नहीं दिखना चाहते हैं। सर, आप एक भोजपुरी गाने की बात कर रहे हैं, आई थिंक जितने बड़े म्यूजिक चैनल्स हैं, जितने बड़े म्यूजिक लेवल हैं, वो सब हर एक गाने का, जितने पुराने पुराने गाने थे उसका रीमेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दो घूट हो गया या और भी बहुत सारे गाने हैं जो बन रहे हैं। तो एक एक छोटी सी पहल है कि हम भोजपुरी में भी यू नो उसका रीमेक करें, पर हमने किसी के स्टाइल को फॉलो नहीं किया है। और इसमें कहीं से गलत बात भी नहीं है, अगर कोई बॉलीवुड अगर अच्छा कर रहा है और हमने एक प्रयास किया कि हम भी उनसे थोड़ा सा बेहतर एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करें, तो इसमें गलत क्या है सर? बिल्कुल गलत बिल्कुल नहीं है जी, भोजपुरी में एक फिल्म बनी है, सर वी आर वर्किंग ऑन दैट, थैंक यू। वो भी होगा, और एक बात बता दूं, पानी पानी बॉलीवुड का गाना भी नहीं है, राजस्थानी ट्यून है। तो या तो हम देश को बांट दें कि अब बॉलीवुड राजस्थान का है, राजस्थान हम भोजपुर का है, हम देश के अंदर ये म्यूजिक को घुमाते रहते हैं, इसी तरह से एक जगह का म्यूजिक दूसरी जगह पहुंचना शुरू हो जाता है। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट बनारस का है, यहाँ आके आओ तो अच्छा खाना खाने को भी बहुत बढ़िया मिलता है, वो एक और बड़ा, अरे हम तो मतलब वो कचौड़ी यहाँ की खा खा के, ना यूपी आगरा की कचौड़ी में वो दम है, ना लखनऊ की कचौड़ी में दम है, यहाँ की कचौड़ी में। अच्छा जी, तो क्या हमारी भाषा का सम्मान नहीं हो रहा? तो कोई जरूरी नहीं है कि गाने से ही सम्मान दिया जाए। लालू प्रसाद जी ने पूरी दुनिया में अपने आप को बड़ा किया ना, गुलाम सिंह ने किया ना, हमारी दुनिया रघुनाथ जी ने किया ना, तो हमें जाना जाता है, हमें दुनिया पहचानती है, ये हमारी उपलब्धि है। अब ऐसा नहीं कि वहाँ गाना बजेगा तभी हमारी उपलब्धि होगी, हम वहाँ बज रहे हैं, अगर हम बजे नहीं तो वहाँ गए कैसे? तो हमें तो कहीं ना कहीं संगीत से जाना ही गया ना, कि खेसारी बिहार का बेटा है, ये भोजपुरी भाषा का औलाद है। तो आप उससे निरेक मत करिए कि हाँ आप वहाँ गाना बजवाइए तभी उपलब्धि है। आज हमारे पापा जींस पैंट पहने थे जबकि लोग पहले धोती पहना करते थे। तो चीज़ें बदलती है और उसके साथ अगर हम नहीं बदलें तो उसके बाद भी कहेंगे कि आज भी आप वही कर रहे हैं, आप बदल नहीं पा रहे हैं, जनरेशन को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारे सवाल आपके बिल्कुल सही थे, लेकिन आज आपके ही घर में लड़कियाँ जींस पैंट पहनती हैं, आप उनको क्यों नहीं बोलते हैं सलवार सूट पहनने के लिए? आप अपने पत्नी को खुद ही जींस पैंट पहना कर और बाइक पे बैठा कर मार्केट लेकर जाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कि साड़ी पहनो?
तो चीज़ें बदलती है, जनरेशन चीज़ें बदलता है, बात वही है, उसका डिजाइन अलग हो जाता है। मतलब अब भोजपुरी बदलने वाला है पूरी तरीके से? भोजपुरी नहीं बदलेगी, स्टाइल बदलता है, भाषा नहीं बदलता, भाषा तो वही है। आज का खोइबो, कहाँ जइबो, खोइलो कि ना खोइलो, बोले के तो वह बा, लेकिन बोले के स्टाइल चेंज बा। पहले हम धोती पहन के बोलते थे, कि पहले हम जब जाते थे किसी के लड़का देखने तो सर चिवरा मीठा मिलता था, आज कोई दे सकता है क्या? आज कोई देगा तो लोग दुनिया बोलेगी भाई अभी पुराने ख्यालात के। तो इंसान बदले कैसे? सबसे पहले हमें अपने मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। क्या मानते हैं कि सर ये जो आज रिलीज हुआ है ये कितना धूम मचाएगा? और जो यूपी और बिहार की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, जो भाषा की शैली की बात करते हैं, उसको कितना और उछाल मिलेगा इस गाने? देखिए आपको इसको बढ़ावा देना है, क्योंकि आप भाषा की बात करते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है जी। ये आपका भी फर्ज है कि अगर कोई भोजपुरी का बेटा इतने बड़े लेवल पे काम और इतनी बड़ी कंपनी अगर भोजपुरी भाषा को बढ़ाने के लिए काम कर रही है तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ भोजपुरी को अश्लील बोलने के लिए बैठे हैं? भोजपुरी अश्लील है, अश्लील है। इसी सारे का माँ हम भोजपुरी पे मैंने जय जय शिवशंकर और इसी बनारस की धरती पे किया था, उसका व्यू जाकर देखिए, अभी तक 20 मिलियन नहीं हुआ सर। तो जब हम अच्छे गाने गाते हैं तो आप उसको बढ़ावा क्यों नहीं देते? तो इस दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। सफ़र करने के लिए सर BMW की ज़रूरत नहीं है, जिसके पास क्षमता नहीं है वो ट्रैक्टर से भी अपने स्टेशन जा सकता है। तो हर आदमी अपने लेवल पे अपने मंजिल को पाने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो बुरा नहीं है सर। विक्रम सर, भोजपुरी सिनेमा के प्रति आपकी क्या योजना है फिल्मों को लेकर? हम लोग पहले तो मुझे पिछला वाला सवाल था वो जवाब दे दूं कि गाना कितना बड़ा होने वाला है। मेरा मान के चलना है कि ये जो जो बादशाह जी का हिंदी वाला गाना था शायद इससे बड़ा गाना बन जाए हमारे पास। और एक और चीज़ है, ये गाना और हमें पूरी अटेम्प्ट यही है कि हम इस गाने का प्रमोशन सिर्फ इधर नहीं कर रहे हैं यूपी और बिहार के अंदर, ये पूरा साउथ इंडिया के अंदर जा रहा है और ईस्ट इंडिया के अंदर जा रहा है। तो हर जगह इस गाने का प्रमोशन होने वाला है। दो चीज़ें, केसारी और अक्षरा भी नेशनल लेवल पे नोन हो जाते हैं और गाना बड़ा होता चला जाता है। दूसरा सवाल पिक्चरों का, हाँ जी, अगर हम इस एरिया में घुस रहे हैं तो सिर्फ गानों के साथ नहीं घुस रहे हैं, सारेगामा भोजपुरी की पिक्चरों में भी घुसने वाला है और पिक्चरों का दर्जा भी ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए बादशाह, अगर बादशाह जैसा हिंदुस्तान का नंबर वन सिंगर है वो इस समय, अगर वो पहली बात भोजपुरी में तैयार होते हैं और अपने आप से अपियर होने को तैयार होते हैं और केसारी को पूरी तरह से जानते हैं, अक्षरा को तो सभी जानते हैं, वो ऐसा नहीं है कि अब ये आर्टिस्ट नेशनल लेवल पे नोन होते चले जा रहे हैं इस समय, और आई थिंक यही सबसे बड़ी चीज़ है। और आप देखोगे और कई सारे सिंगर्स अब हमें अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या हम आपके साथ भोजपुरी में भी गाना गा सकते हैं, और भोजपुरी सिंगर्स हम लेके जा रहे हैं कि बाकी लैंग्वेज के गाना क्यों ना गा सकते हैं। सवाल कह रहे हैं कि भोजपुरी हमारी बढ़ क्यों नहीं रही, अब इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगी? एक इंडिया का टॉप का आर्टिस्ट जिसका नाम बादशाह है और वो भोजपुरी गा रहे हैं, बोल रहे हैं, अब क्या चाहते हैं आप? हम बिल्किस से गवा दें तब तो बहुत बढ़िया रही। ए भैया जरा, ए भैया जरा अच्छा जी के बुलवा दी, मेरी बात हो जाए उनसे भी। बादशाह हमारे भाषा को गा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि ही तो है भैया। बहुत सर, अब सर हम प्लाज्मा बांटेंगे का करेंगे सर, हम कोरोना का 100% सर। जो फिल्म सिटी बन रही है यूपी में वो कितना सहायक होगा भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए? बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज जितनी फिल्में बन रही हैं भोजपुरी की, मोस्टली अब ना सिर्फ भोजपुरी, हिंदी फिल्में भी, हिंदी वेब सीरीज, सारे लोग यूपी आ रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। वुमेन सेफ्टी की बात करें मैम, तो यूपी क्या पहले से आपको लगता है कि बेहतर है, सेफ है? डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। बस इतनी थी बात। समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, माइंडसेट बदल रहा है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है आपको लगता है इन 4-5 सालों में? डेफिनेटली मिला है, और यूथ जो है उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया है, और आई थिंक बहुत सी चीजें ग्रो हो रही हैं और होंगी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।